हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एसटीसी फॉर यू। तो आज हम आपको करवाने वाले हैं 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो क्वेश्चन में हमें बोला है साइन ए इक्वल्स टू 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड टैन ए। ठीक है, तो अभी हमें क्या दे रखा है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है। इट मीन्स हमें क्या दे रखा है, हम सबसे पहले वो लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो सबसे पहले हमें साइन के लिए फॉर्मूला क्या है, साइन का फॉर्मूला फर्स्ट होता है पी अपॉन एच, मतलब साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है पी अपॉन एच। तो हमें ये वैल्यू जो दे रखी है वो हमें दे रखी है पी अपॉन एच की। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया हमारा पी होगा 3 और एच होगा 4। तो अब हम बनाएंगे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने इसे अपना डायग्राम बना लिया है, अब हमने लेबल कर दिया इसको ए बी सी। ओके, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का। अब हमें क्या बोला है, ये हमें बोल रखा है साइन ए, तो थीटा के सामने वाला जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। इट मीन्स ये हमें 3 दे रखा है, हाइपो हमें 4 दे रखा है। अब हमें फाइंड करना है बेस। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपो है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहां से फाइंड करेंगे, जब हमें हाइपो दे रखा और बेस दे रखा, हाइपो दे रखा और परपेंडिकुलर दे रखा और बेस फाइंड करना हो, तो हम जानते हैं हम लगाएंगे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी यहां हमें दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी हमें फाइंड करना है, ए बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है और प्लस में बी सी, इट मीन्स 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा ए बी का ए बी स्क्वायर और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, ए बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम ए बी को यही रखेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 16 - 9 इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो जब 16 - 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, और वो हो जाएगा हमारे पास ए बी का स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर के लिए वैल्यू नहीं चाहिए, हमें ओनली ए बी का वैल्यू चाहिए, तो हम करेंगे दोनों तरफ रूट लगाएंगे ताकि इससे स्क्वायर को काट सके, तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा ए बी की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है √7। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई √7। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना था, कोस ए फाइंड करना है और टैन ए फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे कोस ए इक्वल्स टू एंड टैन ए इक्वल्स टू। तो कोस के लिए फॉर्मूला क्या था, बी अपॉन एच, तो हम लिखेंगे बी अपॉन एच। तो हमारे पास बी क्या है, हमारे पास बेस क्या है, बेस है √7 और नीचे क्या है h, h हमारे पास है 4। ठीक है, अब tan के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन कोस tan p अपॉन b। तो p हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 और b बेस हमारे पास क्या है √7। तो हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, एक तो आंसर हो जाएगा √7/4, एक हो जाएगा 3/√7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन, हमें दे रखा है 15 cot A = 8, फाइंड हमें करना है साइन और सेक ए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 तो हमें दे रखा है और ये 15 है, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो सेम वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो हमने यहां से कोट की फाइंड करेंगे, कोट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन कोस टैन और टैन का उल्टा होता है कोट, यानी कि बी अपॉन पी। इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बेस दे रखा है, बेस हमें दे रखा है 8 और पी अपॉन हमें दे रखा है 15। ठीक है, तो हम फाइंड कर लेंगे ए बी सी, तो हमें इसको 90 डिग्री का माना है। अब यहां पे भी ए की बात हो रही है, मतलब थीटा, इसको माना है अगले ने, तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपो। तो हमारे बेस क्या हो जाएगा, हमारे पास बेस हो जाएगा हमारा 8, तो ये हमारे पास लेंथ हो जाएगी 8। परपेंडिकुलर ये हमारे पास हो जाएगा 15। ठीक है, ये हमारा 15 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यहां से हमें क्या करना है, हाइपो फाइंड करना है। तो हाइपो के लिए फार्मूला होता है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू लिखेंगे ए बी की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64 आ जाएगा और ए सी स्क्वायर एज इट इज चलेगा, ये हो जाएगा 64 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने किया ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा 289। ठीक है, तो अब ये किसका स्क्वायर होता है, ये नंबर होता है 17 का स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, इसका रूट हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों तरफ रूट लगा देंगे, तो स्क्वायर हट गया, रूट से स्क्वायर काट दिया, एसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये नंबर किसका रूट होता है, ये होता है 17 का। ठीक है, तो हमारे पास एसी की वैल्यू, ये हमारे पास आ गई 17। ठीक है, ये हमारे पास आ गई 17 सेंटीमीटर। तो अब ये जब हमारे पास आ गई है, तो हमारे पास तीनों चीजें आ गई, बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, हाइपो आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए फाइंड करना है और हमें करना है सेक ए। ओके, तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर जो कि 15 है और हाइपो जो कि 17 है। ठीक है, और sec के लिए क्या होता है, साइन कोस टैन कोट sec, sec का मतलब हो जाएगा h अपॉन b। तो हाइपो हमारी हो जाएगी 17 और बेस हमारा हो जाएगा 8। तो फिर हमारे पास दो आंसर आते हैं, एक आता है 15/17 और दूसरा आता है 17/8। तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब हम आपको बताएंगे हमारा अगला क्वेश्चन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इसमें हमें दे रखा है गिवन sec थीटा इक्वल्स टू, क्या दे रखा है हमें, 13/12. ओके, और कैलकुलेट क्या करना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जो भी बच गए हैं sec के अलावा रेशियोज वो हमें फाइंड करना है. तो हम सबसे पहले लिखेंगे sec थीटा इक्वल्स टू, गिवन है हमें 13/12. तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो यहां से sec हो जाएगा, ये साइन, ये cos, ये tan, ये cot, ये sec, इट मीन्स h अपॉन b. तो ये हमारा h है, ये हमारा b है. तो हम डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, इसको a, इसको b और इसको c नाम दे दिया. तो हमारे पास बेस क्या है, बेस को 12 माना है और हाइपो को 13 माना है, मतलब इसको फाइंड करना है हमें ये क्या है. ठीक है, तो हम इसको थीटा मान लेते हैं, क्योंकि थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस हो जाता है, थीटा के पास वाला बेस हो जाता है, सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपो हमेशा हाइपो ही रहता है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है. इट मीन्स फॉर्मूला लगाएंगे, एसी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एसी स्क्वायर, एसी की वैल्यू हमारे पास है तो वैल्यू पुट कर देंगे, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी हमें फाइंड करना है, तो एज इट इज चलेगा. और बी सी, बी सी की वैल्यू हमारे पास है 12, तो इसका स्क्वायर होता है 169, ये एज इट इज चलेगा, और ये होता है 144. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 169 इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 144 से, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू. ठीक है, अब माइनस कर देंगे, 164 में से माइनस करेंगे तो अब हमारे पास आ जाएगा 25, माइनस करने भी 25 आ जाएगा. ठीक है, और जो आ जाएगा ए बी स्क्वायर की वैल्यू. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया. अब हमें फिर से इसका स्क्वायर हटाना है, तो दोनों तरफ रूट लगा देंगे, तो इस स्क्वायर से रूट हट गया, तो अब हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई है, 5, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, क्योंकि जब हम 5 × 5 करते हैं तो हमारे पास 25 आता है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्या आ गया, तीनों वैल्यूज आ गई हमारी, तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे. अब हमें क्या बोला है, एक्स्ट्रा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमें फाइंड करने हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, sec हमें दे रखा है, cot थीटा और cosec थीटा. ठीक है, तो साइन के लिए क्या होता है, साइन के लिए होता है p अपॉन h. तो सबसे पहले p अपॉन h, तो डायग्राम में देखिए हमारा p कितना हो गया, 5 हो गया. ठीक है, तो p यानी 5 अपॉन h कितना है, 13. तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू. cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, यहां से देखेंगे b अपॉन h, तो ये होता है b अपॉन h. तो b क्या है हमारे पास, b हमारे पास है 12 और h हमारे पास है 13. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा की वैल्यू. फिर बात करते हैं tan थीटा की, तो tan थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन h, p अपॉन b, तो हम लिखेंगे यहाँ पे p अपॉन b. ठीक है, तो यहां देखेंगे हमारा p क्या है, 5 है और b है 12, तो 5/12. ठीक है, अब बात करते हैं cot थीटा की, cot थीटा क्या होता है, ये tan हो गया, ये cot हो गया, तो cot क्या होता है, b अपॉन p, तो हमारे पास हो जाएगा b अपॉन p. ठीक है, तो cot हमारे पास हो जाएगा b, तो b क्या है डायग्राम में, b हमारे पास 12 है और p कितना है, 5 है. ठीक है, तो 12 अपॉन 5 हो जाएगा, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि tan क्या होता है, हमेशा cot का उल्टा होता है. ठीक है, अब हमें करना है cosec, cosec क्या होता है, sin का उल्टा होता है, या तो इसको ऊपर करके डायरेक्ट कर लेंगे, यहां से देखेंगे तो h अपॉन p, तो h अपॉन p. ठीक है, और वैसे हम देखें तो इसका उल्टा होता है, यानी कि 13/5. ठीक है, तो ये इसका उल्टा होता है स्टूडेंट्स, cos sec हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे फाइंड कर लिए जो हमारे पास रिमेनिंग थे. ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.